वेलकम टू माय गार्डन फ्रेंड्स। ये है मेरे सारे के सारे एस्पेरेगस और आज इनकी गेट टुगेदर है। देखिए इनका शेप कितना बड़ा बड़ा हो गया है और वैसे तो इनको शेप देने में, इनको काटने में अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी आज मैं सोच रही हूँ कि कोई शेप दूँ। एक बार मैंने इस वाइट वाले पॉट की शेप दिया था तो वो कुछ मैंने टोपियरी के जैसा बनाया था तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये शेप। तो मैंने सोचा है कि चलते हैं आज इसको फिर से शेप देते हैं और साथ में मैं सभी को शेप देने की कोशिश करूँगी और देखती हूँ कि शायद कोई अच्छा शेप बन जाए। तो टोपियरी ही मैं आज इस वाइट वाले की बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये काटते हुए तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, लेकिन अब कुछ शेप देने के बारे में मैं सोच ही रही हूँ तो मैं इसे कट भी कर डालूँ। अब मैं इसे काटना शुरू की हूँ। सबसे पहले मैं बड़ी बड़ी पीसेस इसके काट लेती हूँ सारे। लीजिए देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सारे के सारे ब्रांच इसके मैंने काट डाले। देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी इसकी ब्रांच आ गई है और अब जो है मैं इसका और भी अच्छा लुक दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह जब हम यहाँ से इसे काटते हैं तो यहाँ से और भी ये घना होगा। मैं एक महीने के बाद इसकी अपडेट आपको दिखाऊंगी। और इस एस्पर्गस फर्न के ऊपर मैंने, एस्पर्गस फर्न केयर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, दो हफ्ता पहले उसे अपलोड किया था। आप यूट्यूब के हमारे लिंक पर जाकर इसे चेक कर लीजिएगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा तो कैसी इसकी केयर करनी है। ये शेप में भी अच्छा लगने लगा और इसकी यहाँ यहाँ से और पत्तियाँ आएंगी बाद में। तो आपको भी जो है शेप देना है किसी प्लांट का तो बिल्कुल सोचिए नहीं, जब आपको लगे कि प्लांट बहुत ही अनकंट्रोल सा बढ़ रहा है तो आप उसको शेप दे दें और फिर वो और भी अच्छा घना और खूबसूरत होगा वो प्लांट आपका। थोड़ा सा इस साइड से भी मुझे बराबर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर से भी कट करती हूँ। बस आपको ऐसे ही कट करना है जैसे हम बाल की सेटिंग करते हैं वैसे ही करना है। अब इसे टोपियरी बनाना है इसलिए मैंने जो है इसको ऐसा राउंड शेप दिया है। चलिए मैं आपको इस छोटे वाले की भी टोपियरी बना के दिखाती हूँ। ये व्हाइट वाला छोटा वाला, इसकी भी टोपियरी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा नीचा पड़ रहा है तो मैंने हाथ में लिया है और इसको ऐसे बस चारों तरफ से कट करते जाएंगे और इसकी टोपियरी बनती जाएगी। इसकी भी हम प्रूनिंग कर ही देते हैं। इसको भी मैं टोपियरी का ही शेप बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अब मैंने इसका देखिए इतना शेप दे ही दिया है। अब मैं इसे टोपियरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने इसकी टोपियरी कुछ बना लिया है और ये मेरा दूसरा वाला भी बन चुकी है और अब मैं इसकी शेप दे रही हूँ। इसको मैं अब, इसकी भी करीब करीब पूरी हो गई है सेटिंग। और देखिए ये मेरी तीनों जो है टोपियरी, ये बड़ी साइज की है और ये छोटी वाली टोपियरी भी मेरी रेडी है।
अब ये भी मेरी कटिंग हो गई, इसकी अभी पूरी मैंने नहीं की है टोपियरी का शेप। और एक महीने के बाद जब इसमें और भी यहाँ से ब्रांचेस आएंगी, छोटी छोटी पत्तियाँ आएंगी और घना होगा, तब मैं इसको फिर से जब काटूंगी उस टाइम में इसे टोपियरी का शेप दूंगी। ये दो और मेरे हैं ये प्लांट एस्पेरेगस के, इनको भी मैं शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ये अभी मैं इसको भी शुरू कर दिया है मैंने शेप देना, और देखते हैं इसकी टोपियरी बन पाती है या नहीं। चलिए, तो मैंने इसको टोपियरी का शेप देने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये प्लांट अभी मेरा थोड़ा हल्का है इसलिए इसकी टोपियरी तो नहीं बन पाई, लेकिन इसका शेप काफ़ी अच्छा हो गया है। देखिए, ये मेरा आज टोपियरी का काम हुआ है। तो इतनी सारी यहाँ पर ये सारे ग्रास हमारे एस्पेरेगस फंड के सारी लीफ जो है ज़मीन में है, और ये सारी हमारी टोपियरी की कटिंग आज हो गई है। देखिए, जो मैंने ये वाला है इसकी मैंने अभी शेप नहीं दिया है, इसको मैं जिस कॉर्नर पे रखती हूँ वहाँ पर जो और प्लांट हैं उनकी सेटिंग के लिए मुझे इसका शेप ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने आखिर कटिंग करते करते, शेप देते देते, ये कोशिश करते करते टोपियरी बना ही डाली। और इसका भी बहुत ही प्यारा लुक है इस टोपियरी का, सबसे अच्छा इसका बनता है क्योंकि मैंने इसको दो तीन बार शेप दिया है, तो इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा शेप आता है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।